अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत से हाजिर है। बहुत लंबे अरसे के बाद तकरीबन 5 से 6 माह हो गए वीडियो कोई नहीं बनाई। बेसिकली मैं कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ में काफ़ी बिजी था और प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहा था। तो इसके अलावा कुछ शॉपिफाई की अपडेट्स वगैरह भी आ रही थी काफ़ी सारी, तो मैं सोचा एक दफ़ा अपडेट आएगी सारी तो हम एक दफ़ा स्क्रैच से दोबारा शुरू करेंगे शॉपिफाई, ताकि लेटेस्ट वीडियो सारी उस पर बनती रहें। तो अब मैं बेसिकली शॉपिफाई का स्क्रैच से दोबारा एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि शॉपिफाई 2.0 पे होगा सारा, ठीक है। तो उसमें सारा एडमिन वगैरह का वॉक थ्रू हो गया, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, कैसे कैसे सब कुछ चलेगा, वो हम उसमें सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम चीज़ों पर बात करेंगे CSS के ऊपर, ठीक है। और मज़ीद आपकी जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपने विंडो स्क्रीन के ऊपर। आए ओके, लॉग इन कर लेते हैं अपना शॉपिफाई पार्टनर से अपना शॉपिफाई अकाउंट, सही है। हम स्टोर में जाते हैं और यहाँ से हमारा ये हमारा स्टोर है, ये लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको इस न्यू शॉपिफाई एडमिन करने की वॉक थ्रू दूंगा, ठीक है। क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो गई हैं, कैसे उनको चेंज वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, कुछ इसमें चीज़ें नई अपडेट हुई हैं, तो वो साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे ये लॉगिन होता है हम चलते हैं, सबसे पहले तो ऊपर URL चेंज हो गया। पहले आता था जैसे कि ये स्टोर का नेम है, ठीक है, आई थीम। पहले था iatheme.myshopify.com/admin, तो अब इन्होंने कर दिया admin.shopify.com/store name और फिर स्टोर का यूआरएल और फिर स्टोर का नेम कि कौन सा स्टोर है, ठीक है। ये इसका बेसिकली होम पेज आ गया। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे आपके सारे आपको सेशन वगैरह बताएगा। मेरा ये स्टोर तो अभी इनएक्टिव है क्योंकि मैं अभी लाइव स्टोर पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं सारे, जैसे कि पहले थे, कितने आपने ऑर्डर दे दिए हैं, कितने आपके पेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपके शो होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में पड़े हुए हैं। ऐड प्रोडक्ट के लिए आप ऐड में जा सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से ड्राफ्ट करना है सारे स्टोर को, एडिट एक्टिव करना है सबको प्रोडक्ट्स को, एडिट बल्क एडिट करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सब प्रोडक्ट्स को बल्क में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ओपन हो जाएंगे तो आप इनमें टाइटल वगैरह जो भी चेंज करना है सब में चेंज करके सेव करें तो वो सारा बल्क में आपको एडिट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा ये कलेक्शन का भी यहाँ पे, जैसे कि हम पहले कलेक्शन वगैरह भी ऐड करते थे, वो यहाँ पे आ गई हैं। तो कस्टमर्स सारे यहाँ पे, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ गया कंटेंट का। कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे मेटा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं या अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फाइल्स जो भी आपकी इमेजेस हों, जो भी आपकी एसेट्स वगैरह हों, ठीक है, आइकन्स हो गया, इमेजेस हो गई आपकी, वो उसके अलावा जो फाइल्स हैं वीडियोज़ वगैरह, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेटा ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक न्यू चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि मैं इन फ्यूचर पे जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ये वर्डप्रेस की जैसे कस्टम पोस्ट टाइप होती है ना वर्डप्रेस के अंदर, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने मेटा ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिर से एनालिटिक्स आ गए अपने सारे स्टोर के, आगे मार्केटिंग का सारा ऑप्शन आ गई, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट्स का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप स्टोर के डिस्काउंट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे आ गया सेल्स चैनल के अंदर, ठीक है। सेल्स चैनल भी इन्होंने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, वो भी मैं आपको जब जैसे ये आगे चलते जाएंगे तो वन बाय वन जब सबसे बात करेंगे तो सबको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। तो ये सेल्स चैनल के अंदर ऑनलाइन स्टोर आ गया, जिसमें थीम्स आ जाती हैं, आपकी ब्लॉग्स पोस्ट आ जाती हैं इसके अंदर थीम्स के साथ, फिर आपके पेजेस आ जाते हैं, देन आपकी नेविगेशन आ जाती हैं, ठीक है। नेविगेशन के बाद आपकी प्रेफरेंसेस आ जाती हैं सारे स्टोर की। उसके बाद ये भी एक सेल चैनल है, ये जो मैंने कस्टम ऐड किया होगा हाइड्रोजन बेसिकली, ये डेवलपमेंट के लिए होता है। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाती हैं, पहले ऐप्स यहाँ पे ऊपर आती थी, ऐप्स यहाँ पे आती हैं, अब एक्जैक्टली यहाँ पे नहीं आती। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका सेल चैनल ओपन हो गया, सारी ऐप्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं और आप यहाँ से ऐप के सेल्स की सेटिंग में जा सकते हो, सही। ये जब ऐप के ऊपर तब बात होगा फिर मैं यहाँ पर आपको लेके जाऊँगा, सही। उसके अलावा मज़ीद भी आप यहाँ से सेल्स चैनल ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर ऐड है इस टाइम, हाइड्रोजन ऐड है, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड है, और यहाँ पे रिकमेंडेड आपको सेल्स चैनल बता देगा।
उसके अलावा सेटिंग्स में सारा ऑप्शन आ गया है। सेटिंग पहले पूरा पेज ओपन होता था, लेकिन अब सारा पॉपअप में आ गया। सही है। स्टोर डिटेल, यहाँ पे प्लान्स, बिलिंग, यूज़र परमिशन, पेमेंट्स, चेकआउट, कस्टम अकाउंट, शिपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ अभी यहाँ पे आ गया। सही है। ये एक छोटा सा एडमिन करने का वॉक थ्रू है, इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है। बाकी आप सारे दोस्तों की अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेज आते रहे हैं। मेरा मतलब 6 माह मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन अभी मेरा चैनल डेड नहीं हुआ। अभी भी इस पर कॉन्टीन्यूसली व्यूज़ आ रहे हैं, अभी भी इस पर मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइबर्स वगैरह आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और 6K से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसे 10K तक लेके जाना है। ठीक है। बाकी किसी भी बिजनेस क्यूरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ईमेल पे। सही है। अब बेसिकली इशू ये है कि एक बात में जो आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो इशू ये है कि हर बंदा मैसेज करता है कि मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। देखिए, वो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो आप मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि मेरा कर दे। मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको काम करके नहीं दे सकता, क्योंकि मतलब मेरा अपना भी काफ़ी सारे काम है। तो मैं अब हर बंदे का काम पकड़ूँगा, तो ना मैं अपना काम कर सकूँगा, ना मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ना कुछ छोड़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, मैं अपने पास एक बंदा रख दूँगा जो कि शॉपिफाई का क्लास वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोई काम होगा, आप मुझे मैसेज करें कि हमारा ये काम है, उसकी छोटी सी फी होगी, वो आप मुझे पे करेंगे और आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। अगर वैसे मैं फ्री में आपको काम कर दूँगा, मुझे मसला नहीं है, लेकिन उसमें मेरा भी टाइम ज़्यादा होना बोल देगा और मेरे प्रोजेक्ट भी ज़्यादा होने हैं, और इसके अलावा वीडियो बनने को भी टाइम नहीं मिलना। ठीक है। मैं पे भी बंदा रखूँगा अपने पास, वो आपका काम करेगा और आप उसकी जो भी फी हो, काम के अकॉर्डिंगली जो भी मुनासिब फी होगी, वो आप पे करेंगे। ठीक है। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।